हाय गाइस, वेलकम टू पीके किंग। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने GTA San Andreas में कैरेक्टर स्विचिंग का मोड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइस, साथ ही साथ आप लोगों को इसमें मिलने वाला है GTA 5 पैक फॉर GTA San Andreas। तो गाइस, आप GTA San Andreas में कैरेक्टर स्विच का मोड इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम GTA 5 के कैरेक्टर्स वगैरह भी ऐड कर देंगे अपने GTA San Andreas में। और उसके अलावा हम GTA 5 की कार्स वगैरह, हार्ड वगैरह और गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं हम GTA 5 की जो GTA San Andreas में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो गाइस, काफ़ी अच्छा मोड पैक है ये हमारा GTA San Andreas के लिए, जो GTA San Andreas को फुली GTA 5 में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए होगा GTA 5 कैरेक्टर स्विच मोड फॉर GTA San Andreas। तो कैसी ये वो फाइल है जिसमें आप लोगों को सारी फाइल्स मिल जाएंगी GTA San Andreas को GTA 5 में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपली हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो कैसी ये हमारी फाइल एक्सेप्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, इसके लिए फ्रेंड्स हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा पैकेज है GTA San Andreas को कन्वर्ट करने का। और गैस, उसके लिए हमारे पास GTA San Andreas इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो गैस, आप GTA San Andreas इंस्टॉल कर लें और गैस उसकी फाइल लोकेशन को ओपन कर लें। और अगर GTA San Andreas में कोई मोड इंस्टॉल हुआ हुआ है तो गैस आपने उसे अनइंस्टॉल कर देना है। तो गैस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ मोड्स हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉलर वाले, तो मैं उसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो गैस, आपका जो GTA San Andreas होगा गैस, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जैसे आप डायरेक्टली गेम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जो आपका गेम आता है फ्रेंड्स, वैसा होना चाहिए। अगर आप GTA San Andreas में कोई मोड वगैरह इंस्टॉल कर चुके होंगे और गाइस उसके बाद आप ये मोड ट्राई करेंगे तो आपका GTA San Andreas का मोड है वो परफेक्टली वर्क नहीं करेगा और आपके गेम में ग्लिचेस वगैरह और बग वगैरह आएंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सारे मोड्स अनइंस्टॉल कर लें। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं भी तकरीबन सारे मोड्स अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा GTA San Andreas बिल्कुल क्लियर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने जो फाइल एक्सट्रैक्ट किया था वहाँ पे आना है और उसके फोल्डर को ओपन करना है। उसमें जितने फाइल्स हैं सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने GTA San Andreas की फाइल लोकेशन में आना है। फाइल लोकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। और गैस, पेस्ट करने के बाद आपने रिप्लेस कर दिया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे जो GTA San Andreas के फाइल्स थे गैस, वो सारे रिप्लेस हो गए। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करके बताता हूँ कि आपका GTA San Andreas किस तरह GTA 5 में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं वैसे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो GTA San Andreas है GTA 5 एडिशन में स्टार्ट हो चुका है। और गाइस, इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास GPS है, GTA 5 का मिनी मैप आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। और गाइस, उसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर कार में बैठते हैं तो गाइस आप लोगों को रेडियो का हार्ट भी देखने को मिल जाएगा, व्हील वाला। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, तो कार में बैठने के बाद आपने आर का बटन प्रेस करना है और गैस आपके पास जो रेडियो का ऑप्शन है गैस, वो इनेबल हो जाएगा व्हील से। तो गैस, आप आर से जैसा रेडियो ऑन ऑफ करते थे अपने GTA San Andreas में, इसी तरह कर सकते हैं। और गैस, इसके अलावा जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे कार्स भी चेंज हो गई हैं। तो गैस, ये हमारे कवर की बोधी है गैस GTA 5 के। और गैस, उसके बाद मैं आप लोग बताता हूँ कि आप कैरेक्टर किस तरह से स्विच कर सकते हैं। तो गैस, कैरेक्टर स्विच करने के लिए आपने कार से उतरना है, आप कार में कैरेक्टर स्विच नहीं कर सकते, आपने ऑल्ट प्रेस करना है और एरो के बटन से फ्रेंड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने ट्रेवर पे सेलेक्ट कर लिया और हमारा जो कैरेक्टर है गाइस, वो ट्रेवर पे भी स्विच हो चुका है। और ये ट्रेवर कहाँ है भाई,
गाइस ये है हमारा ट्रेवर और ये हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है गाइस। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिल जाएगा इसमें, जो है हमारा GTA San Andreas का हट। और गाइस इसमें आप लोग देख सकते हो हमारे पास जो वांटेड लेवल वगैरह हैं फ्रेंड्स वो अलग हैं बिल्कुल नॉर्मल GTA से। तो गाइस ये हमने इसे पानी में गिरा दिया। और गाइस चले गाइस अब हम स्विच करते हैं अपने माइकल कैरेक्टर पे। और गाइस ये तीनों कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस पानी में भी आप स्विच नहीं कर सकते ऐसे, तो हमें बाहर जाना होगा वाटर से और उसके बाद हम स्विच करेंगे अपना कैरेक्टर। GTA San Andreas के नॉर्मल चिट कोड्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपने GTA San Andreas के फ्रेंड्स किसी भी चिट कोड को या मिशन को इसमें इजीली यूज़ कर सकते हैं। और गाइस आपने तीनों कैरेक्टर से मिशन भी प्ले कर सकते हैं। और गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने माइकल पे स्विच कर दिया और हमारा जो माइकल है गाइस ये है अपने हाउस में। तो गाइस इसका हाउस देख सकते हैं। और गाइस ये है माइकल की कार। तो गाइस इसमें तीनों कैरेक्टर्स के अलग अलग कार्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो GTA 5 में दिए गए थे तीनों कैरेक्टर्स को। और गाइस ट्रेवर की बहुत ही फ्रैंकलिन की गाड़ी गाइस बुफेलो कार और माइकल की भी ये कार है गाइस जो आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोड है और ये हमारे GTA San Andreas को इस मोड ने बिल्कुल ही GTA 5 में कन्वर्ट कर दिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा आप इसमें मिशन वगैरह और बाकी सारी चीज़ें GTA San Andreas की ईजिली कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कर दें और गाइस मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों को ये GTA San Andreas का GTA 5 वाला मोड कैसा लगा। तो फ्रेंड्स बस यहीं पे एंड करते हैं आज के एपिसोड को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो और अगर पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।